बहुजन समाज पार्टी ने आने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए गुलबर्गा नॉर्थ से महमूद शाह का नाम डिक्लेयर किया है। महमूद शाह रहेंगे गुलबर्गा नॉर्थ से बहुजन समाज पार्टी के एमएलए कैंडिडेट। इस असेंबली इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी पूरे कर्नाटक में 224 एमएलए कैंडिडेट के नाम डिक्लेयर करने जा रही है। पार्टी के लीडर्स ने गुलबर्गा की आवाम से अपील की है कि बहुजन समाज पार्टी के एमएलए कैंडिडेट महमूद शाह को वोट कर असेंबली इलेक्शन में जिताएं। This video presented by Raidan Multi Cuisine Restaurant. Variety of traditional foods, Arabian, Turkish, Middle East, grand interior, genuine spices, hygienic kitchen. Address Tipu Sultan Chowk, Ring Road, Gulbarga. Assalamu alaikum, Jai Bhim. Dosto, aaj Bahujan Samaj Party Gulbarga North candidate ka naam announcement hone ke baad Mr. Mahmood Shah ka naam aaj Bahujan Samaj Party ki taraf se declare ho chuka hai. जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है, 2023 का असेंबली इलेक्शन आ चुका है, उसके मद्देनज़र रखते हुए बहुजन समाज पार्टी अपने कर्नाटक स्टेट के अंदर 224 कैंडिडेट ठहराने का जो इलेक्शन है उसको हम पूरे 224 कैंडिडेट ठहराने का हम काम कर रहे हैं। वैसे ही गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर महमूद शाह को एज ए कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है, तो मैं आज इसी मौके पर आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे पास, हमारे साथ, हमारे यंग लीडर, नौजवान साथी महमूद शाह आपके बीच में आएंगे आने वाले दिनों में। और मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि आने वाले दिनों में जहां जहां भी महमूद शाह बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आपसे बढ़ चढ़ के काम करने की तौफीक ये करूंगा। और इंशाल्लाह हम लोग ज्वाइनिंग प्रोग्राम भी रिसेंटली रखने वाले हैं। अगर किसी को बहुजन समाज पार्टी से ज्वाइन होकर कुछ काम करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है बाखर फंक्शन हॉल बिसाइड बहुजन समाज पार्टी कलबुर्गी नॉर्थ का एक ऑफिस है। आप यहाँ पे आके आपका नाम वो लिखा कर आप जा सकते हैं। इस मौके पर हमारे बहुजन समाज पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी शरणप्पा सुगुर साहब हैं और वैसे ही हमारे स्टेट सिटी के वाइस प्रेसिडेंट हारून खतीब और एक सिटी के वाइस प्रेसिडेंट तौफीक खतीब और सिटी के कोऑर्डिनेटर सिराज भाई, सिटी के कोऑर्डिनेटर जाकिर भाई और मैं बहुजन समाज पार्टी सिटी कोऑर्डिनेटर शेख मुनीर, आप सभी को मुबारकबाद देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जन समाज पक्ष वतियिंद एरने पट्टियन्नु 2023 ने चुनावणे अंगवागी बहुजन समाज पक्ष एरने पट्टियल्लि चितापुरदिंद ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಸೂಗುರಾದಂಥ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿತ್ತಾಪುರದಿಂದ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಉತ್ತರದಿಂದ ಮಹಮೂದ್ ಶಾ ಸಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಳಿಸಲಿತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಡೀ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬರುವಂಥ ಮೇ 10ರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಾರಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆರ್ಚಿ ತರಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ಆನೆ ಇದೆ, ಈ ಆನೆ ಗುರುತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಬಡತನದಿಂದ ಬರೆದಂಥ ದರ್ವೇಶ್ ಸಮಾಜದ ಹುಡುಗಾದಂಥ ಮಹಮೂದ್ ಶಾವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ದಲಿತ, ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ನಾರಾ ಇದೆ, ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜೀತೇಗ ಬಾಯ್ ಜೀತೇಗ, ಓಟ್ ವಾಲ ಜೀತೇಗ, ಆರೇಗ ಬಾಯ್ ಆರೇಗ, ನೋಟ್ ವಾಲ ಆರೇಗ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಹಮೂದ್ ಶಾಹನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು, ಆನೆ ಗುರುತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜಯ ಭೀಮ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಔರ್ ಜಯ ಭೀಮ್. ಆಜ್ ಬಹನ್ ಕುಮಾರಿ ಮಾಯಾವತಿ ಜೀ ಕಾ ಮೈ ಬಹುತ್ ಶುಕರ್ ಗುಜಾರ ಹೂಂ और स्टेट कमेटी का और ख़ास करके मुनियप्पा साहब, वासु साहब, हमारे शाणप्पा सुगुर साहब, हमारे सिटी कोऑर्डिनेटर मुनीर भाई, हम सब पूरे जन की मेहनत है जो आज मैं आज ये मुकाम पे हूँ
आपको मैं इतना बोलना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी का आप सपोर्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कांग्रेस को आप 40 साल से देखते आ रहे हैं, 40 से 50 साल हो गया कांग्रेस को देखते आ रहे हैं। बीजेपी की स्टेट में भी गवर्नमेंट है और सेंटर में भी गवर्नमेंट है बीजेपी की, पर कोई अभी तक कुछ काम नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। खाली क्या कर रहे हैं, मैं हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो डेवलपमेंट की जो बात करेंगा वही दिल्ली पे राज करेंगा इंशाल्लाह। नॉर्थ केस में देखो आज सब रोड कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और देखो नल के जो पानी का मसला है हमारे, 8 से 10 दिन के बाद नल खुल रहा, ये तकरीबन यहाँ पे यही चल रहा है यहाँ पे। और करप्शन इतना है गुलबर्गा में, आज हर ऑफिस में जो आप करप्शन का है, कोई यहाँ पे बात करने को तैयार नहीं है। हम देखते रहते हैं, हम ऑफिशियली कंटिन्यू काम करते रहते हैं। करप्शन के खिलाफ लड़ाई है हमारी, लड़ाई जो है करप्शन के खिलाफ है हमारी, लड़ाई जो है नाहक जो आज काम बोले वहाँ कत्ल हो रहे हैं उसके खिलाफ है हमारी लड़ाई। और कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मसला है गुलबर्गे का, उसको बहुजन समाज पार्टी सबसे अच्छे उसको पैमाने पे ये करेंगे।